मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पत्रकारों के साथ संवाद, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, कई लोगों तक खाना नहीं पहुंचने पर बोले गहलोत, कहा प्रदेश में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। प्रदेशवासियों ने इस दिशा में दिया है अहम योगदान। राजधानी में 1 लाख से अधिक भोजन के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। कंट्रोल रूम में जानकारी मिलने की पहुंचती है राहत, वे स्वयं रोजाना लेते हैं कंट्रोल रूम से पूरी जानकारी। औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी तरह की नहीं है कोई भी कमी। सीएम गहलोत का प्रदेश के मीडिया कर्मियों से संवाद, रामगंज मामले पर बोले सीएम गहलोत, कहा भीलवाड़ा मॉडल का नाम ही है सख्ती। रामगंज के साथ संवेदनशील जगहों पर होगी सख्ती। मुख्यमंत्री गहलोत का पत्रकारों से संवाद, लॉकडाउन के बाद सामान्य जनजीवन होगा कहीं ना कहीं चुनौती। 2 टास्क फोर्स कर रही है इस दिशा में काम, जल्दी टास्क फोर्स सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। पीएम मोदी को भी दिए हैं कई सुझाव, राज्यों को 1 लाख करोड़ का फंड देने का भी सुझाव है। राज्यों की आर्थिक स्थिति भी उन्होंने खराब बताई है। पीपीए किट पहनने पर भी बोले सीएम गहलोत, कहा किट पहनना नहीं आसान काम, प्रदेश में नहीं है पीपीए किट की कमी, नए किट के ऑर्डर भी कर दिए हैं जारी। कोरोना योद्धाओं का रखा जाएगा पूरा ध्यान, कोरोना योद्धाओं को दिया है 50 लाख तक का कवर। कोरोना को बताया खतरनाक महामारी, उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं लगातार मॉनिटरिंग। प्रदेश में भीलवाड़ा का उदाहरण सबके सामने है, बुजुर्गों को इस महामारी से है सबसे बड़ा खतरा। प्रदेश में वेंटिलेटर और आईसीयू की नहीं है कमी, प्रदेश भर में की जा रही है स्क्रीनिंग, भीलवाड़ा की तर्ज पर भी ये स्क्रीनिंग की जाएगी। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और एमएनटीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, यहां पर अगर बात करें सीएम गहलोत की, तो लगातार वीसी के जरिए सभी से अपडेट ले रहे हैं, आज पत्रकारों से भी हुए मुखातिब हुए, पत्रकारों से भी उन्होंने अपडेट लिया, क्या क्या कुछ खास रहा इस वीसी में? सबसे पहले तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जानकारी दी कि राज्य सरकार क्या क्या कर रही है, राजस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है, कितने केसेज आ जाए, और उन्होंने कहा कि जयपुर में 336 केस हैं और 376 शायद बोला उन्होंने जी, 336 और 10 जिलों में 10-10 केस हैं, ऐसे 10 जिले हैं राजस्थान में जिनमें 10 या अधिक केस हैं। और मुख्यमंत्री गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रामगंज में कम्युनिटी संक्रमण जैसी कोई परिस्थिति नहीं है इस वक्त जी, जो प्रारंभिक रूप से ढील दी गई थी, लोगों ने छुपाया था बात को, उसको अब कंट्रोल कर लिया गया है और सख्ती की जाएगी। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा का नाम ही सख्ती है, भीलवाड़ा मॉडल का नाम, और वैसी सख्ती हर उस जगह की जाएगी जहां भी कोरोना पॉजिटिव मिलेंगे, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने दिया जाएगा। कई लोगों ने आशंका व्यक्त की पत्रकारों ने कि रामगंज में भीलवाड़ा मॉडल लागू नहीं हो पा रहा है और उसके लिए कई सवाल किए गए। हर बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो आरंभिक तौर पर कोई कमी रह भी गई या किसी वजह से किसी ने गफलत पैदा कर दी, लेकिन वो अब पूरी तरह कंट्रोल में है, पूरी सख्ती है, क्वारंटाइन किया जा रहा है लोगों को और आइसोलेट करके उनका इलाज भी किया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पीपीई किट की कोई कमी नहीं है, 20,000 पीपीई किट इस समय राजस्थान सरकार के पास है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि हम 10 लाख किट जांच किट मंगा रहे हैं जी, वो किसी भी समय आ जाएंगे और हम उसकी जांच कराएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण आए हैं जहां आदमी को लक्षण नहीं है कोरोना संक्रमण के, इसके बावजूद जब टेस्ट होता है तो पॉजिटिव निकल रहे हैं लोग, और इसलिए हम बड़े पैमाने पर रैंडम सर्वे करेंगे, जांच करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से राज्यों को मिलाकर 1 लाख करोड़ देने की बात की और जो ऋण देने की स्वीकृति दी गई राज्यों को, उन्होंने कहा कि राज्यों को ऋण नहीं मिला, ऋण लेने की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी, वो स्वीकृति मात्र मिली है। उनमें भी 14 राज्य अभी ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनको अपने तनख्वाह देने के लिए वेज एंड मींस के लिए आरबीआई से पैसा मांगना पड़ रहा है या ओवरड्राफ्ट लेना पड़ रहा है। राजस्थान अभी उस श्रेणी में नहीं है जी। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्थान में अभी वो हालात नहीं है कि हमें ओवरड्राफ्ट लेना पड़े या आरबीआई से पैसा लेना पड़े, और ये कहा है कि लेकिन ये जो ओवरड्राफ्ट या पैसा दिया जाए ये कर्ज मुक्त हो जी। किसी से हमारी स्थिति भी आ सकती है लेने की, किसी और राज्य की भी आ सकती है, किसी भी राज्य को ये पैसा लेना पड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या ओवरड्राफ्ट लेना पड़े तो उसको कर्ज मुक्त मिलना चाहिए, एक तो उन्होंने इस बात की पैरवी की। दूसरा, उन्होंने यशवंत सिन्हा के इंडियन एक्सप्रेस छपे लेख का हवाला दिया जी। और ये कहा कि सरकार को नोट छापने चाहिए क्षमा करें, इस वक्त यशवंत सिन्हा ने जो सुझाव दिया उस सुझाव को उन्होंने यहाँ दोहराया जी।
और कहा कि केंद्र सरकार के पास नोट छापने की संभावना है, इसलिए उसे नोट छापने चाहिए इस वक्त। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है इन परिस्थितियों से निकलने का, क्योंकि केंद्र सरकार की भी हालत खराब है, हमारी भी हालत खराब है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य में प्रतिदिन वो इस बात की रिपोर्ट ले रहे हैं कि कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है या नहीं सो रहा है, और वो आश्वस्त है कि राज्य में इस वक्त जो जन भावना उभरी है और जो समाज सेवा संगठन और व्यक्तिगत रूप से लोग समाज सेवा कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी प्रतिदिन शाम को रात को उनको मिलती है, और उसके अनुसार वो आश्वस्त है कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति इस समय भूखा नहीं सो रहा है। जी तो चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अनिल जी। तो यहाँ पर हमारे चैनल हेड और एवन टीवी के चैनल हेड और राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी वहाँ पर इस वीसी में शामिल थे, और उन्होंने बताया कि सीएम गहलोत ने कई बातों को लेकर पत्रकारों के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। खासतौर से लोगों के मन में कुछ शंकाएं थी कि भीलवाड़ा मॉडल जो है वो कब लागू किया जाएगा, कब लागू नहीं किया जाएगा, रामगंज को लेकर कई सारी शंकाएं थी। वो जो आशंकाएं वो यहाँ पर सीएम गहलोत ने दूर करी है, और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को हटाना सबसे बड़ी चुनौती है। तो लॉकडाउन को बनाए रखना अपने आप में चुनौती है, लेकिन उसे हटाना भी एक सबसे बड़ी चुनौती है, और भीलवाड़ा का मतलब यही है कि सख्ती। जी हाँ, एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है, और जल्द ही भीलवाड़ा मॉडल को पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा।